हेलो फ्रेंड्स, मैं विजया आज कुछ कैक्टस के सीड लगाने जा रही हूँ। सोचा आपसे शेयर करूँ। मुझे ये सीड कल मिले थे। ये बहुत एक्सपेंसिव हैं, इसलिए एक साथ मैं सारे नहीं लगाऊँगी, थोड़ा कुछ दिनों बाद लगाऊँगी। अभी मैंने इनको पैकेट में ही पड़े रहने दिया है। ये बहुत छोटे छोटे हैं, खो ना जाएं। इनको हम तीन ढंग से जर्मिनेट करने की कोशिश करेंगे। पहला, इस बॉक्स में लगाएंगे, ये खाली बालू है इसमें लगाएंगे। दूसरा, इस टिश्यू पेपर के संग बैग में। तीसरा, ये बालू और मिट्टी के मिक्सर को। दोनों चीज़ों को हमने बराबर मात्रा में ले लिया है। बहुत से लोग मिट्टी की जगह पीट मॉस भी यूज़ करते हैं। अभी जो है हमने इन सीडों को पैकेट में रखा है। पूरी तैयारी कर लें, फिर इनको खोलते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने दो जो हैं टिश्यू पेपर लिए हैं, इनको इस बॉक्स में बिछा देते हैं। पहले पानी डाल करके स्प्रे करके गीला कर लें। अब जो है ये हम सैंड और सॉयल के मिक्सर को डाल दे रहे हैं। इसमें जो थोड़ी बहुत अगर कंकुड़ी वगैरह आपको दिखती है तो इनको आप अलग कर लीजिए, नहीं तो सीड उसमें दब करके जर्मिनेट नहीं होंगे, मुश्किल हो जाएगी जर्मिनेशन में। फिर पानी डाल करके मिक्सर को थोड़ा सा मॉइस्ट कर लीजिए। अब हम सीड खोल रहे हैं। इसको मैं पास से आपको दिखाती हूँ कि कैसे लग रहे हैं। ये देखिए, बहुत छोटे छोटे से हैं। फिंगर को हमने पानी में मॉइस्ट कर लिया है। अब जो सीड है एक एक करके उठा करके दूर दूर रख रहे हैं। इसी तरह से मिट्टी और सैंड वाले मिक्सर में भी हमें यही करना है। इसमें हमने बालू और मिट्टी दोनों को बराबर मात्रा में लेकर के छान लिया है, ताकि मोटी कंकड़ी ना रह जाए। और बचे हुए सीड जो हैं इसी तरह से उठा उठा करके थोड़ी थोड़ी दूर में लगा देंगे, ताकि जर्मिनेशन के बाद उनको मैं आसानी से अलग कर सकूँ। इस समय दिखाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि कैमरा एक हाथ से पकड़े हैं। जो पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अभी ऊपर से हल्की सी बालू मिट्टी का मिक्सर फिर से मैं डाल दूंगी तो ठीक हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। सीड डालने लगाने के बाद इसमें हम हल्की सी परत बिल्कुल डाल रहे हैं, मोटी परत बिल्कुल मत डालिएगा। और ध्यान रखिएगा मोटा कंकड़ ना रहे इसमें। अब इतने बच गए हैं मेरे पास। अब बंद करके इसको हम रख दे रहे हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, कहीं ऐसा ना हो टिश्यू पेपर मेरा सूख जाए। अगर सूख भी जाता है तो कोई बात नहीं, ऊपर से पानी इसमें स्प्रे कर सकते हैं। हमें देखते रहना पड़ेगा कि सरफेस सूखे ना। अब हम इस बॉक्स में लगाने जा रहे हैं। ये जो बालू है इसको हमने माइक्रोवेव में अच्छी तरह से गर्मा लिया है। ये खाली बालू है, इसमें कुछ नहीं मिला है। और ये बाकी जो बचे हुए सीड हैं, 8-10 सीड हैं, वो मैं इसमें लगा लूँगी। आप जो है फ्राई पैन में भी बालू को गर्म कर सकते हैं। बालू इसलिए गर्म करते हैं ताकि अगर इंसेक्ट के एग्स हों या फंगस हो या फालतू सीड के बीज हों कोई भी, वो सब नष्ट हो जाएँ। और बालू को अच्छी तरह से ठंडा करके उसमें सीड लगाना है। उसी तरीके से लगाना है, उंगली में मॉइस्चर इसलिए लगाते हैं ताकि सीड उठाने में आसानी रहे। अब ये देखिए बिल्कुल रेडी है जर्मिनेशन के लिए। इनको हम जो है इस पॉलिथिन बैग में इसको कवर कर देंगे और ऊपर उस वाले के ढक्कन तो हैं उनको बंद कर देंगे। हम जो है इस बॉक्स में जर्मिनेशन डेट जो है वो लिख दे रहे हैं, क्योंकि बताया गया है कि 7-8 दिन में जर्मिनेट हो जाएंगे। ऐसे पता नहीं चलता है कब लगाया था। अब हम इसको यहाँ रख रहे हैं। यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, बल्कि छन छन कर आती है और यहाँ गर्माहट बनी रहती है। फ्रेंड्स, हम आपको इसका अपडेट ज़रूर दिखाएंगे, चाहे अच्छा रहा हो या बुरा रहा हो। अपना और इस प्रकृति का ध्यान रखिएगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाइए और खुश रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।